नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने अक्सर ही ये देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर लाल, केसरिया, भगवा या नारंगी रंग का झंडा लगा होता है, जिसे कुछ लोग ध्वजा, पताका आदि के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में सनातन संस्कृति के अनुसार मंदिर के ऊपर लगे इस ध्वज को बहुत पावन माना गया है और ऐसा भी कहते हैं कि संस्कृति की समग्रता, राष्ट्रीय एकता इस झंडे में ही समाहित है। वही बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि नवरात्रि में घर पर झंडा लगाने से बहुत लाभ होता है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने के बाद कुंडली और वास्तु से संबंधित सभी दोष शांत हो जाते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि घर की छत वहाँ रहने वाले लोगों की कुंडली का 12वां भाग होता है और इस भाव में बुध और राहु व्यक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में केतु और शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कुंडली में इससे संबंधित दोष हो तो नवरात्रि में इस रंग का झंडा इस दिशा में लगाने से लाभ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी दिशा और कौन से रंग का झंडा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अग्नि कोण यानी कि दक्षिण पूर्व कोने में 5 हाथ ऊंची डंडे में लाल ध्वजा लगाकर सोम, दिगंबर कुमार और रुरु भैरव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इससे साल भर वास्तु सही रहता है और सब कुछ अच्छा होता है। कहते हैं कि वास्तु के अनुसार ध्वज को शुभता का प्रतीक माना गया है और इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर को बुरी नजर भी नहीं लगती। साथ ही आपको बता दें कि घर के उत्तर पश्चिम कोने में लगाई गई ध्वजा सबसे ज्यादा लाभकारी होती है और उसे ही वास्तु के दृष्टिकोण से शुभ माना गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।